हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं और सब्जेक्ट वाइज चल रही हैं, स्पेशली सीटेट के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे पैडागॉजी सेक्शन के हम यहाँ पे क्वेश्चंस मैथ्स पैडागॉजी से, जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व क्या है? नैतिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, या बौद्धिक महत्व है, या फिर ये सभी? तो थ्योरी ऑलरेडी मैथ्स पैडागॉजी की थ्योरी पढ़ाई जा चुकी है चैप्टर वाइज, तो उसमें आपको पता है कि क्या इसका महत्व होता है, किस लेवल पे सब कुछ। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी महत्व है। और किस तरह से, इसके लिए आप थ्योरी क्लासेस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सीटेट मैथ्स करके। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा कथन है। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर युंग का। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है क्या? ठीक है, तो आपने देख लिया क्वेश्चन, अभी हम ऑप्शंस पढ़ेंगे इसके। गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ठीक है, तो दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग ये इस विषय के साथ गणितीय यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है ये एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चों की रियल लाइफ, डेली लाइफ, उनके जो विचार हैं, उनके जो अनुभव हैं, या उनकी डेली लाइफ रियल लाइफ से हम जोड़ के मैथ्स को उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मूल्यांकन, मापन, सांख्यिकी, या इनमें से किसी से नहीं? उत्तर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मापन से है। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं जब उनको कंपेयर करना होता है कि कौन सा दशमलव संख्या बड़ा है या छोटा है करके। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? मतलब लगता है बच्चों को कि ये नंबर जो है वो इस नंबर से बड़ा है, जबकि कोई मतलब नहीं है, दोनों इक्वल हैं। इस टाइप की गलतियां बच्चे करते हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। कभी नहीं, कभी भी आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चुनना है जिसमें बच्चों की ज़्यादा मिस्टेक बताई जाए कि बच्चे ही गलती कर रहे हैं, बच्चों से ही नहीं बन रहा, ये सारी चीज़ें कभी नहीं। तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव चीज़ को लेना है, हमें खुद सोचना है कि क्या वाकई में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे की जगह होते और ऐसी गलतियाँ कर रहे होते तो उसका क्या रीज़न होता, हम क्यों ऐसी गलती करते? जब आप ये सोच के करेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर फाइंड आउट होगा, क्योंकि जब आप बच्चा बन के सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा अपनी गलती नहीं मानता, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना इससे रिलेटेड। एक बटे तीन के समतुल्य भिन्न लिखिए। अब कक्षा चार के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है? उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। सारे ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न स्तरीय मांग कार्य,
क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशल की ही आवश्यकता होती है। बच्चों को इसलिए बताया गया है कि जब इसके समतुल्य लिखना है भिन्न, तो क्या करना है कि हर नंबर को सेम नंबर से, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी होता है। ऐसा नहीं कि कौशल की आवश्यकता नहीं हो रही है, एक नॉलेज जो बच्चों ने ऑलरेडी ग्रहण कर रखा है, कक्षा 4 के बच्चे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी आसान भी है, तो उनके लेवल के हिसाब से इतना टफ नहीं है ये वर्क, और सिर्फ इसमें एक कौशल की ही आवश्यकता उनको पड़ रही है। वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि है। कौन सी? निगमन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। गणित शिक्षण की सभी विधियां डिटेल से थ्योरी उसका पढ़ा रखा है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, यहाँ पे निरीक्षण भी होता है, चिंतन तो वास्तविक रियल चिंतन आपको सोचना भी पड़ता है, प्रयोग होता है, सबसे बड़ा वर्ड तो यहाँ पे प्रयोग था। शिक्षण की दृष्टि से अध्यापक के गुण हैं, या अध्यापक का गुण है, विषय का ज्ञाता हो, शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान हो, बालकों की प्रकृति को समझ सकने वाला हो, या फिर ये सभी एक अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए शिक्षण की दृष्टि से। बिल्कुल, तो सही उत्तर आपका यही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण के पदों का सही क्रम है। उपलब्धि परीक्षण के देखिए कुछ पद दिए हैं, आपको सिर्फ उसे अरेंज करना है सही क्रम में। परीक्षण का मूल्यांकन, परीक्षण की तैयारी, परीक्षण का प्रशासन, परीक्षण की योजना बनाना और परीक्षण का अंकन। अब आप बताइए सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इस तरह से आपको कोड में से फाइंड करना है। पूरे अगर क्रम से नहीं भी याद है तो आपको स्टार्टिंग में पहला पद क्या होना चाहिए, अगर यही याद है तो आप बहुत इजीली बता लेंगे, क्योंकि सब में जो भी रहेगा अलग ही अलग ऑप्शंस हैं, मैच नहीं कर रहे हैं पहला वाला कहीं भी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जब कुछ भी करना है, कोई भी परीक्षण तैयार करना है, तो पहले हम उसकी योजना बनाएंगे ना, सबसे पहला काम तो प्लानिंग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 पहले नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 नंबर पहले सबसे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का भी आ जाएगा कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो अब सिर्फ पहले पद से काम नहीं चलेगा, अब आपको फिर दूसरा और तीसरा इस तरह से भी देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेंगे सबसे पहले क्या होता है, परीक्षण की योजना बनाना। अब योजना बन गई, बन के तैयार हो गई कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, तो अब उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब प्लान हो गया तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर उसका जो मैनेजमेंट होता है, उसका जो प्रशासन होता है, वो आ जाता है कि पूरा सब कुछ कैसे क्या करना है, ठीक है, उसकी देख रेख सब कुछ एवरीथिंग। और उसके बाद फिर उसका अंकन होता है, ठीक है, किसी भी परीक्षण का मार्किंग होगी उसकी, जिसको आप मार्किंग कहते हैं। और लास्ट में जाके मूल्यांकन होता है, जो कि एक अंतिम कार्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह क्यों है एक अनिवार्य हिस्सा, पैटर्न की पहचान करके पूरा करना प्राइमरी क्लासेस में। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास करता है, आई मीन विकसित करता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। सुडोकू पहेली को हल करने, पहेली होना चाहिए था यहाँ, पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो ध्यान रखिए, आप मैथ्स पैडागॉजी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मैथ्स के संदर्भ में ही अपना आंसर गेस करना है। तो सृजनात्मकता तो आती है, दो ऑप्शन है आपके सृजनात्मकता वाले, लेकिन सबसे बेटर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कलात्मक कुछ नहीं आता, सृजनात्मकता आता है साथ में, क्योंकि मैथ्स में रहता है ना, तो मैथ्स में नंबर्स रहते हैं, तो संख्या उनको जोड़ना घटाना गुणा भाग, क्योंकि कुछ ना कुछ इसी तरह से रहता है, कोई ना कोई उनका रिलेशन सभी नंबर्स का आपस में, तो संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनको सहायता करता है। कक्षा 2 में अबैकस का प्रयोग ब्लैंक में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, यानी कि अगर आप क्लास 2 में अबैकस का यूज़ करेंगे, अबैकस जैसा कि आपको पता ही है कि ऐसे उसमें तीलियां लगी होती है, जिसमें पहले माटी की बनी होती थी, फिर यहाँ 2 रहेगी, फिर यहाँ 3 रहेगी, ऐसे गोलियां लगी होती है प्लास्टिक की, जिससे कैलकुलेशंस किए जाते हैं और जो भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो उस पर किए जाते हैं मैथमेटिकल। ये क्लास 2 में अगर आप यूज़ करते हैं तो किस चीज़ के लिए आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने के लिए, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने के लिए, या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए।
तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने के लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगा ये। उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? लाइक करिएगा प्लीज सभी लोग वीडियो को, आपके लाइक से मिलता है मोटिवेशन, तो आप लोग कर दिया करिए। ओके तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक पक्ष। घोषणा, गणना, जांचना, प्रदर्शन, अनुमान इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित हैं? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग से। सो ये आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।